देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी आगामी 25 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करने जा रहे हैं। पिछली बार 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करने जाते वक्त भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने यहां जोरदार रोड शो करते हुए अपने विरोधियों को चौंका दिया था। 5 साल बाद बतौर सांसद और देश के पीएम समर्थन जुटाने बनारस की सड़कों पर होंगे। तब 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होने के बाद बनारस की जनता का धन्यवाद देने के लिए मोदी वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने गंगा तट पर मां जाह्नवी का आशीर्वाद लिया था और आरती देखने के बाद काशी की जनता को संबोधित भी किया था। इसके बाद ही वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने गए थे। मगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन से पहले ही मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को अपना नामांकन करेंगे। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक संध्या गंगा आरती में शामिल होंगे और मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अगले दिन 26 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल कालभैरव का दर्शन करने के बाद नामांकन करने जाएंगे। वहीं 25 अप्रैल को बनारस में होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धमाकेदार रोड शो के लिए भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के रोड शो का रूट भी तय कर लिया है। प्रधानमंत्री लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपना रोड शो शुरू करेंगे। यह रोड शो अस्सी, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित दैनिक संध्या आरती में शामिल होंगे और मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे। वाराणसी से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट। जी, आगामी 25 और 26 तारीख को क्या कार्यक्रम है, किसका मुख्य रूप से आगमन है और क्या क्या तैयारियां हैं? 25 तारीख को वाराणसी में स्वाभाविक रूप से एक रोड शो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मालवीय जी की महामना मालवीय जी की मूर्ति से माल्यार्पण करके और दशाश्वमेध तक जाएंगे। तो वो पिछले बार भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और लंका से उनको रोड शो का परमिशन नहीं मिला था, लेकिन पूरी जनता उस दिन वो सड़क पर थी। आज तो प्रधानमंत्री जी का नामांकन का समय है, प्रधानमंत्री जी का उनकी अपनी काशी में मूवमेंट है और इस बार हम सब देख रहे हैं और जनता का जो उत्साह मिल रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, जो अपने पास लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक, जो कॉल्स आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि इस बार जनता आगे है। प्रधानमंत्री जी के रोड शो हो चाहे नामांकन हो, जनता आगे है, हम सब पीछे हैं। हम सब कभी कभी अपने को पिछड़ते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वाराणसी की जनता, काशी की जनता मोदी जी द्वारा किए हुए विकास के एक बड़े कार्य के प्रति अपना एक संदेश देने चाहती है, अपना आभार व्यक्त करना चाहती है, अपना कृतज्ञता मोदी जी के प्रति व्यक्त करना चाहती है कि आपने हमारी काशी को कैसे बदला। अध्यक्ष जी, क्या रोड मैप है, किन किन रास्तों से होकर उनको जाना है 25 को, फिर 26 को क्या करना है? 25 को वो मालवीय जी की मूर्ति लंका से प्रारंभ करके और दशाश्वमेध तक जाएंगे और फिर गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। दूसरे दिन बाबा का दर्शन करके, कालभैरव बाबा का, काशी के कोतवाल का दर्शन करके और अपना नामांकन करेंगे। इस बार कितनी ज़्यादा भीड़ जुटाने की या खुद पर खुद कितनी भीड़ आने की उम्मीद है, लगभग कितने आप लोग आकलन करके चल रहे हैं, कितनी संख्या जुड़ जाएगी? वाराणसी की बहुत बड़ी संख्या में जनता उस दिन रोड पर होगी और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हम सबको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जनता ही इसमें सम्मिलित होना चाह रही है। हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तमाम तरह के, आजकल अभी नवरात्र ख़त्म हुआ, कल बहुत जगह भंडारे का कार्यक्रम था, लोग पूछते पूछते थक जा रहे हैं कि भाई साहब कहाँ हम सम्मिलित हों, कैसे हम सम्मिलित हों। नामांकन का कुछ समय निर्धारित है, कब तक नामांकन, किस अंतराल में होगा? दोपहर में, कल 26 के दिन में नामांकन होना है
अभी समय आना है। शुभ मुहूर्त वगैरह निकालने की बात है कि किस शुभ मुहूर्त पे नामांकन किया जाए, ऐसा कुछ जो किसी ने सभी कुछ जानकारी करते हैं। अभी चल रहा है, अभी कोई समय निर्धारित हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए थे, तो नामांकन को लेकर वर्षों को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश आप लोग को दिया गया है या कोई अच्छा काम कर अच्छा कुछ करने के लिए सलाह दिया गया? चुनाव चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम कैसे काम करें, काम की दिशा हमारी क्या हो, उसके बारे में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला और हर विषय पे उनका हम सबको निर्देश मिला, मार्गदर्शन मिला कि हमें कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में 73+ का जो नारा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसको सफल करना हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। तो उस निमित्त हम सबको तमाम चुनावी टिप्स मिले हैं, हम सब उस पर काम कर रहे हैं। मार्जिन भी अधिक करने की कोई बात के लिए टिप्स मिला है कि जो पिछली बार के ज़्यादा वोटों से अंतर से विजय इस बार मोदी जी? निश्चित रूप से मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पिछले बार से दुगने मतों के अंतराल